नमस्कार, आपका स्वागत है जौरवाल एकेडमी में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इस बार कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, जिसको CGL भी कहा जाता है, उसकी भर्ती SSC ने निकाल दी है, यानी उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो कि बहुत सारी पोस्टों के लिए होता है, जिसमें AAO से लेके UDC तक की वैकेंसियाँ शामिल हैं। और इस वीडियो में आपको हम हर एक पोस्ट के बारे में कि उसका कितना ग्रेड पे रहेगा या कितना उसका बेसिक सैलरी रहेगा, कितना उसका लेवल रहेगा और कौन से डिपार्टमेंट में उसका पोस्टिंग होगा, किस जगह पे उसका पोस्टिंग होगा और उसका सैलरी कितना बनेगा एज पर 7th पे कमीशन के हिसाब से, यानी 7th पे कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको कंसिडर करते हुए हमने ये वीडियो बनाया है उनकी सैलरी के बारे में कि उनका टोटल सैलरी कितना हो जाएगा लगभग। हालांकि अभी तक जो अलाउंसेस हैं उनकी घोषणा होना बाकी है, तो जो इस फाइनल या ग्रॉस सैलरी में कुछ चेंजेज हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कमीशन की अलाउंसेस वाली रिपोर्ट जारी होगी तो नए अलाउंसेस चेंज हो सकते हैं। लेकिन हमने इस वीडियो में कवर किया है सिर्फ जो रिकमेंडेशन है और कुछ अलाउंसेस जैसे DA वगैरह अभी घोषित कर दें तो उनको कंसिडर करते हुए। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें पूरा डिटेल कवर किया है, लेकिन यदि आपको सारी डिटेल जाननी है हर एक पोस्ट के बारे में तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और वीडियो आपको यदि पसंद आता है और यूजफुल रहता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे जो लोग नहीं जानते इन पोस्टों के बारे में उनको भी एक आइडिया मिल जाएगा कि कितना उनका सैलरी रहेगा। और जो नए बंदे हैं उनके लिए तो बहुत ही यूजफुल रहेगा अपना पोस्ट का चूज करने में, क्योंकि उसे कौन सी पोस्ट सेलेक्ट फिल करनी है पहले या प्रेफरेंस देना है और उसका क्या पोस्टिंग होगा उसके लिए। तो वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो आइए, ज़्यादा टाइम नहीं लेके आपका हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये वीडियो हम आपके लिए टेबल के रूप में लेके आए हैं, जिसमें सबसे पहले हमने उसका नेम ऑफ द पोस्ट डाला है, उसके बाद में कौन सा डिपार्टमेंट उस यानी वो जो पोस्ट है वो कौन से डिपार्टमेंट में बंदे का पोस्टिंग होगा, फिर वो सर्विस कौन से क्लास उसका वो है, यानी गजेटेड है, नॉन गजेटेड है या जो भी है, उसका ग्रेड पे 7th पे कमीशन के हिसाब से कितना था और अभी एज पर 7th पे कमीशन उसका मिनिमम एंट्री पे कितना हो जाएगा और उसका लेवल क्या रहेगा, क्योंकि 7th पे कमीशन में ग्रेड पे वो ख़त्म करके हर एक पोस्ट का एक नया लेवल दे दिया है गवर्नमेंट ने, तो उसका लेवल कितना हो जाएगा और HRA कितना रहेगा। तो इसमें यहाँ पे HRA हमने कंसिडर किया है, जो कि सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से ही 24%, 16% और 8% देने जा रही है, तो उसी को कंसिडर करते हुए हमने HRA यहाँ पे कैलकुलेट किया है। और DA जो कि प्रेजेंट में 4% दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, तो उसको कंसिडर किया है। और जो ट्रेवलिंग अलाउंसेस है वो भी जो 7th पे कमीशन में रिकमेंड किया है गवर्नमेंट ने या कमिटी ने, तो उसी को, हालांकि इस पर अभी रिपोर्ट आनी बाकी है तो चेंजेस हो सकते हैं HRA और DA पे, लेकिन जो 7th पे कमीशन की रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशंस हैं उनको कंसिडर किया है। और DA ऑन TA जो कि प्रेजेंट में 4% है तो उसको बेस मान के यहाँ पे कैलकुलेट किया है। और फिर लास्ट में हर एक सिटी के हिसाब से कि मान लो आप एक्स क्लास सिटी में पोस्टिंग होता है कितना सैलरी रहेगा, वाई क्लास में आपका कितना सैलरी रहेगा और जेड क्लास में आपका कितना सैलरी रहेगा। आपको यहाँ पे एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि नॉर्मली SSC के थ्रू जो भी रिक्रूटमेंट होता है उसका पोस्टिंग एक्स और वाई कैटेगरी सिटी में नॉर्मली होता है, बहुत ही रेयर केसेस में SSC के थ्रू सेलेक्टेड बंदे का पोस्टिंग जेड कैटेगरी में होता है, जहाँ पर सबसे कम HRA मिलता है, लेकिन बहुत ही रेयर चांस है आपका जेड कैटेगरी सिटी में पोस्टिंग होने का, ज़्यादातर आपका एक्स और वाई कैटेगरी सिटी में ही पोस्टिंग किया जाता है SSC के थ्रू। तो सबसे पहले इसमें आता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो कि CAG ऑफ इंडिया में उसका पोस्टिंग होगा, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर। ये एक ग्रुप बी गजेटेड पोस्ट है जिसका प्रेजेंट में 6th पे कमीशन के हिसाब से 4800 ग्रेड पे था और अभी 7th पे कमीशन में उसका मिनिमम जो बेसिक सैलरी है या एंट्री पे जिसको बोल सकते हैं आप, तो वो रहेगा 47,600 रुपये और लेवल इसमें रहेगा उसका 8
जो कि SSC के द्वारा चुना गया सबसे ज़्यादा है। तो दोनों जो पोस्ट हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, दोनों ग्रुप बी गजेटेड पोस्ट, CAG ऑफ इंडिया के अंदर उनका पोस्टिंग होगा और लेवल भी 8 रहेगा। तो दोनों का जो सैलरी है और सारा जो अलाउंसेस है वो सेम रहेगा। तो यदि एक डबल योगा पोस्टिंग होता है एक्स कैटेगरी सिटी में, तो उसका जो बेस ग्रॉस सैलरी है वो लगभग 64,672 हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा सैलरी है एक्चुअली। और वाई कैटेगरी में लगभग 60,864 हो जाएगा। तो जो कैलकुलेट किया है वो हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो एक्स क्लास सिटी है उसमें आपका बेसिक पे एक्स क्लास सिटी का HRA और जो TA है वो हायर सिटी में मिलता है, लगभग 20 सिटी है इंडिया में, उनको कंसिडर करके ये वाला और 144 रुपीज़ ये कैलकुलेट करके सारा ऐड करके आपका जो बेसिक जो ग्रॉस सैलरी है यहाँ पे 64,000 वो यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। तो ये है दोनों का, हो गया असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। उसके बाद में आता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या असिस्टेंट, जो कि CSS में उसका पोस्टिंग होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो में होगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में उसका पोस्टिंग किया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में और AFHQ में और अदर मिनिस्ट्रीज में उसका पोस्टिंग होगा, जो कि ग्रुप बी नॉन गजेटेड है। इसका 4600 रुपये ग्रेड पे है और एज पर 7th पे कमीशन के हिसाब से उसका लेवल 7 रहेगा और जो बेसिक सैलरी है वो 44,900 रुपीज़ एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को दिया जाएगा। हालांकि इसका पहले जो नाम था उसका असिस्टेंट यानी CSS था, उसको चेंज करके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कर दिया है प्रेजेंट में, और उसका जो लगभग बेसिक सैलरी है वो 44,900 रुपीज़ होता है लेवल 7 में, और उसका जो ग्रॉस सैलरी है वो लगभग 61,216 रुपीज़ एक्स क्लास सिटी में उसको मिलेगा प्रेजेंट में। और यदि तो ये दोनों हैं, आप देख सकते हैं आपका यदि वाई में होता है इतना रहता है। उसके बाद में आता है असिस्टेंट या सुपरिंटेंडेंट, तो उसका पोस्टिंग होगा अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट और बार ऑर्गेनाइजेशंस में जो ऊपर दिए हैं यानी कॉलम नंबर रो नंबर 3 में, उसके अलावा जो भी है उनमें। ये ग्रुप बी नॉन गजेटेड है, इसका 4200 ग्रेड पे रहेगा और एंट्री पे इसका रहेगा 35,400 रुपये, और इसका जो लेवल रहेगा लेवल 6 इसका लेवल है, और टोटल जो सैलरी है ग्रॉस सैलरी वो लगभग 49,056 रुपीज़ यानी लगभग 49,000 के रुपये के आसपास रहेगा, कुछ चेंज नहीं होता तो। और उसके बाद में आता है प्रिवेंटिव ऑफिसर्स, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स CBEC में उसका पोस्टिंग होगा, तीनों का ही यानी जो इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर तीनों ही CBEC के अंडर में काम करेंगे। उनका पोस्टिंग अलग अलग जगह रहेगा लेकिन डिपार्टमेंट यानी एक ही है। तो उनका ग्रुप बी गजेटेड नॉन गजेटेड 4600 ग्रेड पे लेवल 7 में रहेगा और लगभग जो सैलरी है ग्रॉस सैलरी वो लगभग 61,000 रुपीज़ से लेकर 52,000 रुपीज़ के बीच में रहेगी यानी 50,000 से 61,000 के बीच में पोस्टिंग के हिसाब से उसका सैलरी रहेगा। फिर आता है इसमें इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, जो कि CBDT में उसका पोस्टिंग होगा, ग्रुप सी उसको बना दिया है गवर्नमेंट ने और 4600 ग्रेड पे था इसका पहले, अब उसका जो मिनिमम एंट्री पे है वो 44,900 रुपीज़ रहेगा लेवल 6 में, उसको यहाँ पे गवर्नमेंट ने 7th पे कमीशन में माना है, और लगभग जो ग्रॉस सैलरी है वो लगभग हो जाएगा 61,000 से लेके 52,000 के बीच में उसका रहेगा सिटी की यानी पोस्टिंग के अनुसार। उसके बाद में आता है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जो कि इसका पोस्टिंग होगा डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में। तो ये ग्रुप बी नॉन गजेटेड 4600 रुपये ग्रेड पे और एंट्री पे इसका रहेगा 44,900 रुपये लेवल 7 में, और जो बेसिक सॉरी ग्रॉस सैलरी रहेगा इसका वो 61,000 से लेके 52,160 रुपीज़ रहेगा। तो जो लगभग 4600 जो ग्रेड पे है उसका बेसिक सैलरी लगभग 61,000 से लेके 52,000 आपकी पोस्टिंग के हिसाब अनुसार रहेगा यानी किस सिटी में आपका पोस्टिंग रहता है। फिर आता है इंस्पेक्टर, इसका पोस्टिंग होगा
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में, ग्रुप बी नॉन गजेटेड है, 4600 ग्रेड पे, सैलरी लगभग सेम ही है सबका। फिर आता है सब इंस्पेक्टर 4200 ग्रेड पे में, उसका जो 4200 ग्रेड पे बंदा ज्वाइन करता है तो उसका बेसिक सैलरी रहेगा 45400 रुपये लेवल 6 में, और ग्रॉस सैलरी लगभग 49056 रुपीज़ से लेके 41520 रुपीज़ उसका ग्रॉस सैलरी रहेगा। फिर आता है सब इंस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में, 4200 ग्रुप बी पोस्ट है ये नॉन ग्रेजुएटेड, तो 45400 रुपये बेसिक सैलरी लेवल 6 रहेगा उसका, और ग्रॉस सैलरी है लगभग 49056 रुपीज़ से लेके 41520 रुपीज़ रहेगा उसका। फिर आ जाता है यहाँ पे क्योंकि 42 का सब ऑडिटर अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट जो कि सीएजी ऑफ इंडिया सीजीडीए और अदर मिनिस्ट्रीज में उसका पोस्टिंग होगा। यह आता है ग्रुप सी में, 2800 ग्रेड पे है और उसका एंट्री पे रहेगा 29200 रुपीज़ और लेवल रहेगा 5। तो उसका जो यदि एक्स क्लास सिटी में पोस्टिंग होता है तो 41120 रुपीज़ लगभग 40,000 के आसपास सैलरी रहेगा, और यदि जेड क्लास सिटी में पोस्टिंग होता है जो कि नॉर्मली नहीं होता 34,000 ग्रॉस सैलरी मिलेगा एक ऑडिटर को, अकाउंटेंट को और जूनियर अकाउंटेंट को। उसके बाद में आता है सीनियर सेक्रेटरेट असिस्टेंट और यूडीसी जो कि मिनिस्ट्रीज अदर देन सीएसएस सीएस कैडर जो ग्रुप सी में 2400 ग्रेड पे में, तो उसका 2400 में जो बंदा है उसका मिनिमम एंट्री पे रहेगा 25,500 रुपये लेवल 4, और उसका जो ग्रॉस सैलरी वाला वो बनेगा लगभग 36,384 से लेके 30,432 रुपीज़ 30,432 रुपये के आसपास। तो 4200 ग्रेड पे में जो भी पोस्ट हैं, जैसे तीन पोस्ट हैं यहाँ पर, टैक्स असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और यूडीसी या सीनियर सेक्रेटरेट असिस्टेंट, तो इनका जो बेसिक सैलरी है वो सेम 25,500 रुपये लेवल 4, और ग्रॉस सैलरी 36,384 से लेके 30,432 उनका पोस्टिंग सब, जो कि नॉर्मली नई सैलरी मिलेगा वो आपको 36 से लेके 34 के बीच में ग्रॉस सैलरी आपका रहेगा। तो ये वीडियो था आपके लिए जिसमें हमने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो सीजीएल एग्जाम है उसके अंडर जितनी भी पोस्ट आते हैं सब पोस्टों का ग्रॉस सैलरी कितना बनेगा आपकी पोस्टिंग की जगह के अनुसार, वो इस वीडियो हमने कवर किया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए यूजफुल रहेगा कि आपका कितना सैलरी लेवल मिलने जा रहा है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो ये वीडियो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं यदि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है या आपको लगता है कि यूजफुल रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।